एक तरफ होली का माहौल है, पूरा देश होली के रंगों में सराबोर है। घर पर पूरा परिवार पकवानों का मजा उठा रहे हैं, रंग अबीर गुलाल लगाकर बच्चे बूढ़े झूम रहे हैं। मिला जुला कर कहें तो मौसम खुशियों का है, खुशियां हैं, रंग रंगीली होली है। लेकिन इस दौरान दो नौजवानों ने रंग में भंग कर डाला है। गोड्डा के ब्लॉक में दो चोर सरकारी मशीनरी को चुराते हुए पकड़े गए हैं। ब्लॉक फील्ड स्थित सरकारी भवन में बैलेट पेपर बॉक्स को दो चोर चुरा रहे थे। चोरी करते कुछ युवाओं और मोहल्ले वासियों ने देखा और चोर को धर दबोचा, जिसके बाद जिला प्रशासन को फोन कर सूचना दी गई। मौके पर जिला प्रशासन पहुंची और चोरों को थाना ले जाया गया। आसपास के लोगों का कहना है यहां अक्सर चोरी हुआ करती है, न सिर्फ ब्लॉक में अपितु घरों के सामान भी चुरा लिए जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज दिखे। उनका कहना है चोरी रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब होली जैसे माहौल में चोर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सहायता से चोरों को पकड़ लिया गया है। अब अपने शहर गोड्डा में भी खुल गया है इवेंट प्लानर का ऑफिस, ब्रदर्स इवेंट्स एंड वेडिंग प्लानर। अब अपने घर में किसी भी तरह का इवेंट करना हो, जैसे शादी, रिसेप्शन, शादी सालगिरह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश या कोई ऑफिस का शुभारंभ, तो आप सारी सुविधाएं यहां से पा सकते हैं। हमारे पास सारी व्यवस्था उपलब्ध है। अपनी महफिलों को बनाए यादगार ब्रदर्स इवेंट एंड वेडिंग प्लानर के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा पता है शांति नगर मिशन ब्लॉक रोड गोड्डा। आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। था किस चीज का भीड़ था यहाँ? आए दिन जिस प्रकार से चोरी हो रहा है, जो प्रशासन को करना चाहिए वो आम पब्लिक कर रहा है। देखे होंगे कि फंटूस जी का चाय दुकान है, उसका बड़ा खस्सी भी चोरी हुआ है। आए दिन गरीब लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, सबका खस्सी पाठी सब चोरी हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में बैटरी का चोरी हुआ, हमारा चोरी हुआ। आज तक प्रशासन जो है घर पे पूछने नहीं आया कि कहाँ है बैटरी, कौन चुराया। तहकीकात तो करनी चाहिए प्रशासन को। अभी भी हम लोग ग्रामीण लोग जो है उनको बक्सा चुराते हुए, जो इलेक्शन का बूथ का जो बक्सा होता है जिसमें बैलेट पेपर डालते हैं हम लोग सरकार का चीज को चुराते हुए देखे और उसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया अभी, और पुलिस अभी लेके गई। आज साल भर से चोरी भेल रहे, क्या चोरी होलो सभी नौटा चोरी भेल आ रहे लग ली रोज लग रहे हमर बकरी चोरी भेल जानो ने। हां पुलिस सक ना शिकायत करे लो वहां देखन वाटर पोलर गया ले तब तक चली गेले। अच्छा शिकायत करबो कितना दिन से सब चोरी हो रहा है? हो गया कई लोग बराबर में प्रत्येक मंथली में आज इसका गायब हुआ, कल इसका गायब हुआ, इस तरह करते रहता है। मतलब वो मेरे सामने का गप है कि 10 मिनट के अंदर हम देख के आए अपना खस्सी, पता चला कि लेकर फिरार हो गया। हम तुरंत देखते हैं वही सब वो एक मोड़ में बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, 5 मिनट में भाग गया ये लोग। क्या मामला है यहाँ? तो हम लोग आए तो इन लोग को बांध के रखा था ग्रामीण पब्लिक लोग, बताया कि ये सरकारी सामान को एठी पे टोटो पे लोड किया हुआ है, हम लोग भी देखे और फिर ले जा रहे हैं। इलेक्शन बूथ डिब्बा है, अब इस कुछ हो जाएगा तो हुए जो है मोहल्ला के लोग जो है पकड़ा। ये कह रहे हैं कि सरकारी सामान भी कुछ चोरी हो रही है? सरकारी भी सामान हुआ चोरी है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो है कुछ सरकारी सामान भी जो है टोटो में लोड करके लेके जा रहा है जी। अभी कहाँ ले जा रहे हैं सर इनको? अभी ले जा रहे हैं हॉस्पिटल पे ले जा, दिखाएंगे। ज्यादा चोट लगा हुआ है जी, ज्यादा उसको दोनों को ज्यादा चोट लगा हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुज कुमार। इस खबर के प्रायोजक है जावेद हबीब लेडीज एंड जेंट्स सैलून। बड़े शहरों की तरह अब आपके शहर गोड्डा में भी जावेद हबीब लेडीज एंड जेंट्स सैलून। हर तरह के हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्टाइलिंग, ब्राइडल मेकअप, मुंबई के ट्रेंड हेयर स्टाइलिस्ट से। उद्घाटन के अवसर पर 1 महीने तक 30% तक का स्पेशल डिस्काउंट। पता है रिलायंस ट्रेंड्स बेसमेंट, भागलपुर रोड, गोड्डा।